हम पंछी उन्मुक्त गगन के पार्ट एक कक्षा सात। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर गंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खुल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन चिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की रोड़ी। नीर न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल विराम विघ्न न डालो। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी थी। इन पंक्तियों में कवि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से अपना स्वाभाविक रूप खो देने की बात बता रहे हैं। कवि पंक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले कवि पक्षियों हम बहता जल पीने वाले कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, पिंजरों में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरियों में मिलने वाले दानों से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है, पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा तो हमें नींव का फल लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं, पिंजरे में रहकर तो वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला कवि कहता है कि हम पक्षियों को जंजीरों में बंधन पकड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाता है। वे पिंजरे में पेड़ पौधों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं और अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे थे अरमान, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, वे अपनी चोट से अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को छूना चाहते हैं। होती सीमा हीन चिति से, कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया, या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें निराशा हाथ लगती है। आसमान में कोई मंजिल पाने की चाह उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए मर जाते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। नींद न दो चाहे, कवि कहता है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उन पंख फैलाकर उड़ने की आज़ादी चाहिए। यहाँ पर कवि ने पक्षियों की किस प्रकार कैद में रहने वाले उड़ नहीं सकते, उन पक्षियों की दर्द व्यथा कही है। कवि कहता है कि पक्षियों को कुछ भी नहीं चाहिए, न सोने का पिंजरा न अनार के दाने, उन्हें सिर्फ खुला आसमान चाहिए जहाँ पर वे अपने पंख फैलाकर खुशी से उड़ सके। यदि उन्हें हम जंजीरों में जकड़ लेंगे तो वे अपने आज़ादी भूलकर जितना उनका जीवन है उससे भी सीमित जीवन में मर जाएंगे।